पर तब तक के लिए हम दोनों साथ साथ हैं, और जब तक साथ रहेगा रहेंगे। चलो चलो, बस पहुंच गए। वाह वाह वाह, चलो ना, हम दोनों भी अंदर चलते हैं। तुम्हें सीरियसली लगा मैं यहाँ जाऊंगा? एक बार चल के तो देखो, मैं कभी नहीं गई। कितना अच्छा लग रहा है ना, न जाने कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स होंगे यहाँ, कितना मजा आएगा ना उनको देखकर। चलो। रुक जाओ ना, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है ये जगह, और फ्रंट रो सीट भी बुक की है मैंने। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, समझ आया तुम्हें? ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। तुम जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? हाँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलती हूँ। चुपचाप? चलो चलो। हाँ। ये तुम्हारे मैनेजर को दो। आज का मॉडल्स का सारा काम कैंसिल कर दो, मेल या फीमेल, जिम्मेदारी मेरी होगी। जी सर। हाँ बैठो, कितना अंधेरा है यहाँ, कोई नहीं पहचान पाएगा हम दोनों को, और हम भी नॉर्मल कपल की तरह यहाँ रिलैक्स कर पाएंगे। हम दोनों मिलकर ड्रिंक करेंगे और खूब मजा करेंगे। तुम्हें लगता है नॉर्मल कपल से ये सब देखने आते हैं? देखो देखो देखो, आ गया, शो शुरू होने वाला है। यहाँ के मॉडल्स भी एकदम फिट होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सो सॉरी बट आज का शो कैंसिल हो गया है। इसकी जगह पर हर एक टेबल पर फ्रूट्स का एक ट्रे दिया जाएगा, माफी चाहेंगे। थैंक यू। कैंसिल कैसे हो गया, कितने दिल से आई थी। चलो। नहीं, ये शो नहीं करेंगे तो मैं करूंगी। क्या कर रही हो तुम? हेलो एवरीवन, बताना चाहती हूँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो धरती पर रहता है, पर अनजाने में हम कपल बन गए। अब शायद एक दिन जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब हो सकता है वो मुझे भूल जाए हमेशा के लिए, पर तब तक के लिए हम दोनों साथ साथ हैं, और जब तक साथ रहेगा रहेंगे। अब मैं उसके लिए एक गाना गाना चाहती हूँ, और उस प्यारे से गाने का नाम है सपनों की दुनिया में। मैं एक सपने में थी, तुम जाने कैसे मिले, लेकिन जब मिल ही गए हो तो दूर जाना नहीं, यही है मेरे दिल की दुआ। अब मैं रहूं ना रहूं, तुम साथ रहना मेरे, तुम साथ रहना मेरे, यादों की दुनिया मेरी उसमें तुम जाने कहां, दिल की है ये आरज़ू। कहीं भी जाऊं मैं तेरा ही चेहरा है, हर घड़ी हर पल में तेरा ही पहरा है। तू ही सुबह मेरी, तू ही है शाम मेरी, कहीं भी जाऊं मैं तुझको ही पाऊं मैं, कहीं भी जाऊं मैं तेरा ही चेहरा है, पल पल मेरी सांसों में तू आती जाती है, कैसे बताऊं मैं रिश्ता ये गहरा है।
कहीं भी जाऊं मैं तेरा ही चेहरा है, तेरा ही चेहरा है। तू ही सुबह मेरी, तू ही है शामों में, कहीं भी जाऊं मैं तुझको ही पाऊं मैं। मेरे कदम तेरी तरफ चले, बस यही चाहूं मैं कभी तो तू चले। तुझसे है दुनिया मेरी, अब लूटना ना कभी। अच्छा गाते हो तुम, फिर से गाओ ना, मेरे लिए गाओ ना। आज से तुम कभी ऐसी जगहों पे नहीं आओगी, ओके? ओ, लेकिन क्यों? कितना अच्छा तो था, तुम एकदम पांगली जैसे लग रहे थे। पांगली? हाँ, मैं जब पांगली से मिली थी वो भी स्टेज पर था, एकदम प्रिंस की तरह। तुम्हारी तरह प्रोफेशनल नहीं था, पर वो भी बहुत टैलेंटेड है। तो उसी के साथ क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। डॉक्टर ने कहा था कि तुम प्यार महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हें प्यार महसूस कराना चाहती हूँ। वो लोग जो अंदर थे वो बहुत आसानी से कर लेते हैं, तुम्हारी तरह प्यार से डरते नहीं। क्या तुम उनकी तरह नहीं बनना चाहते? अच्छा, तो तुमने ये सब जो किया वो मेरे इलाज के लिए था बस, और अब तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए फांगली के पास चली जाओगी, है ना? इसमें फांगली कहाँ से आया? मुझे दया नहीं चाहिए तुम्हारी। हाँ, बीमार हूँ मैं, और थोड़ा सेल्फिश भी हूँ शायद, कि प्यार में मैं उसे भूल भी जाऊँ लेकिन वो मुझे हमेशा याद रखे, वो सिर्फ मेरी हो। लगा था वो इंसान मिल गया है और मैं उसे भूल भी नहीं पाया, और मुझे लगा था कि वो औरों से बहुत अलग है, पर उसने मुझे बीमार से ज्यादा कुछ नहीं समझा। तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे। तो तुमने मुझे चुना ही क्यों? तुम भी तो मेरे साथ बस अपना इलाज ही ढूंढ रहे थे ना। आज के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने कहा, उसने सफायर के लिए मुझे माफ कर दिया और कहा मेरी जरूरत भी नहीं। शिवू, तो इसका मतलब सब ठीक ठाक है या अभी भी लड़ाई चल रही है? मेरा एक सवाल है, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन धरती वालों का दिमाग ही अलग है, मुझे नहीं समझ आता। कभी प्यार कभी लड़ाई, कभी प्यार कभी लड़ाई, कभी प्यार कभी लड़ाई। हाँ, रुको, एक काम करो, इतना फर्क पड़ता है तो जाकर पूछ लो। सही है,